सो इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में मारुति सुजुकी नेक्सा काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसकी जो प्रीमियम कार है उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है। हाल फिलहाल नेक्सा में आपको एक्सेल 6, बलिनो, एस क्रॉस एंड मारुति इग्निस एंड मारुति सियास मिल जाती है, लेकिन कंपनी इसमें कुछ और भी न्यू प्रोडक्ट्स को एड ऑन करने वाली है, जिसकी भी डिटेल आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले गाड़ी की बात करें तो वो है वैगनार बेस्ड एक न्यू SUV। तो कंपनी जल्दी अपनी एक न्यू SUV को लॉन्च करने वाली जो कि वैगनार पे बेस्ड होने वाली है। ये बेसिकली एक प्रीमियम वर्जन होने वाला है मारुति सुजुकी वैगनार का, जो कि नेक्सा प्रीमियम डीलरशिप पे सेल किया जाएगा। इसके इंटीरियर एंड एक्सटीरियर में आपको काफ़ी मेजर चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। इसमें आपको ब्लैक कलर के न्यू एलो व्हील्स देखने को मिलने वाले हैं। एंड इसके जो एक्सटीरियर है उसमें आपको कुछ माइनर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जिसमें इसमें कंपनी रूफ रेल्स को एड ऑन करने वाली है एंड न्यू LED हेडलाइट्स को एड ऑन करने वाली, न्यू टेल लाइट्स देखो एड ऑन करने वाली, कंप्लीटली न्यू सेट्स ऑफ बम्पर को इसमें कंपनी एड ऑन करने वाली। इसमें आपको फ्रंट में डे टाइम रनिंग लाइट भी LED के साथ देखने को मिलने वाली है। साथ ही इसका एक्सटीरियर आपको एक कम्प्लीटली मिनी SUV का लुक देने वाला है। इस SUV के इंटीरियर में आपको कम्प्लीटली न्यू डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, कम्प्लीटली न्यू डिजिटल इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्लाइमेट कंट्रोल, AC जैसे काफ़ी प्रीमियम फीचर्स देखने को मिलने वाले। बाकी इसके जो एक्सटीरियर इंटीरियर लुक है वो काफ़ी ज़्यादा एट्रैक्टिव होने वाला है। एंड इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये 5-6 लाख रुपीज़ के बीच में आपको अवेलेबल होने वाली है। एंड इसके लॉन्चिंग की बात करें तो इस साल अगस्त तक ये इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में लॉन्च हो सकती है। तो सेकंड गाड़ी की बात करें तो वो है XL7। बेसिकली इंडोनेशियन मार्केट में इसे सेल किया जाता है। ये XL6 पर बेस्ड ही एक MPV है, जिसमें आपको कुछ XL6 से माइनर चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको फ्रंट में न्यू LED हेडलाइट्स देखने को मिलती है, कम्प्लीटली न्यू बम्पर देखने को मिलते हैं, न्यू सेट्स ऑफ एलॉय व्हील देखने को मिलती है। एंड लेंथ में भी ये थोड़ी सी बड़ी XL6 है। एंड इसके इंटीरियर भी आपको काफ़ी अट्रैक्टिव प्रीमियम फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे टच इंफोटेनमेंट सिस्टम, कम्प्लीटली न्यू स्टीयरिंग व्हील, क्लाइमेट कंट्रोल, AC, ये 7-सीटर ऑप्शन के साथ आती है। एंड इसे इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में जल्दी लॉन्च किया जा सकता है। तो थर्ड गाड़ी की बात करें तो वो है बलिनो सोर्स न्यू SUV। तो कंपनी बलिनो के ऊपर बेस्ड ही एक न्यू SUV को भी इंट्रोड्यूस करने वाली है इस साल, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव एंड काफ़ी सिमिलर लगने वाली है आपको बलिनो से। एंड उसमें कुछ बलिनो के एलिमेंट्स भी एड ऑन किए जाने वाले इस न्यू SUV में। हालांकि इसका नाम अभी तक कंपनी ने इंट्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन कुछ न्यूज सोर्स से पता चला है कि कंपनी बलिनो बेस्ड एक न्यू गाड़ी को इंट्रोड्यूस करने वाली है, जिसकी डिटेल आपको आने वाली वीडियो में हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।